देख करके बताइए कि कौन सा संस्करण डार्किन्स महोदय का है। तो हमारा 11, 12 और 13। तो हमारे सामने टोटल 23 में से इन चार विकल्प से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के लेखक, 11 के संपादक आपके ये चारों हैं। आपको पता है पहला और दूसरे में मेलविल डेविस सर है। ई सेम्योर महोदय के 7 संस्करण आ जाते हैं, तो आपके लगभग पूरे 23 हो जाते हैं। उसके बाद में एक या दो बचते हैं, तो उन्हें आप याद कर लीजिए। सर्वाधिक सेम्योर महोदय के हैं, और उनके बाद में दूसरा आपका कास्टर महोदय का है। तो इन दोनों का योगदान डीडीसी में सबसे ज्यादा है, और मेलविल डेवी का तो है ही मुख्यतः। लेकिन इनके एडिशन देखें तो आपके कस्टर महोदय के और सैम्यूर महोदय के ज्यादा है। 23 संस्करण में से 7 और 3, 12 संस्करण तो केवल और केवल कस्टर और सैम्यूर महोदय के। आगे हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचीकरण का कोड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन है, CCF, CCC और ACR2। तो हमें सूचीकरण का कोड, तो हम देखें कि CC, CCC और ACR2, AACR2, और एक है हमारा CCF। तो इन तीनों में से हमें यह देखना है कि इनमें से सूचीकरण का कोड कौन सा नहीं है। तो इनकी हमें फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि यह एक फॉर्मेट है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जो स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं उनमें आता है। तो ये दोनों आपके ACR और CCC, ये दोनों सूचीकरण के कोड हैं, सूचीकरण की पद्धतियां हैं, और यह आपका कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। आगे हम देखें कि यदि CCC में 2 से अधिक लेखकों के नाम का प्रयोग किया जाए तो हम क्या करते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि 2 लेखक होने पर किस तरह से लेखक का नाम प्रविष्टि में अंकित करेंगे, 3 से अधिक होने पर किस तरह से अंकित करेंगे, या कोई भी नाम दे दिया जाता है तो उसको हम किस तरह से अंकित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है कि सीसी में 2 से अधिक लेखक, पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था रामकुमार मुखर्जी को हम किस तरह से अंकित करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा अगला प्रश्न आता है कि यदि सीसी में 2 से अधिक लेखक होने पर हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा पहले लेखक के बाद में एंड अदर का प्रयोग किया, ऑप्शन हमारा पहला, पहले लेखक के बाद एंड अदर्स का प्रयोग किया जाता है, पहले लेखक के बाद एट ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है, केवल पहले के नाम से ही प्रविष्टि बनाई जाती है, 2 से अधिक लेखक है तो एंड अदर्स का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ परक विवरण के लिए मानक नहीं है, अर्थात स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमने एक स्टैंडर्ड तो हमने यह देखा ही है, पहले ही देख लिया कि CCF एक आपका स्टैंडर्ड है, और दूसरा ISBD, ISBD, CCF, ये दोनों आपके मानक स्टैंडर्ड तय करते हैं। D हो गया, G हो जाएगा, M मोनोग्राफ, ये ISBD, GEM ऐसे भी स्टैंडर्ड होते हैं। और तो हमारा यहाँ पे कौन सा नहीं है, पोपसी, POPSI, यह हमारा स्टैंडर्ड तय नहीं करता है। तो सही आंसर रहेगा आपका पोपसी। पोपसी क्या है उसे हम अगले में देखेंगे, इसके बारे में पूरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सूची को पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका की संज्ञा दी है। आपका कथन आता है
कथन है आपका कि निम्नलिखित में से सूची को पाठ्यक्रम की अनुक्रमणिका, पाठ्य सामग्री सूची को पाठ्य सामग्री सूची को पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका अनुक्रमणिका की संज्ञा किसने प्रदान की? हमारा सही आंसर रहेगा एचजी एंकर्स। एचजी एंकर्स महोदय संज्ञा देते हैं कि सूची को पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका की संज्ञा देते हैं कि यह सूची कहलाती है, पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका सूची कहलाती है। तथा हमारे सामने ऑप्शन है रंगनाथन महोदय, तो ये सूचीकरण को किस प्रकार से कहते हैं कि किसी भी पुस्तकालय में, इनका भी कथन है, किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों की सूची पुस्तकालय सूची कहलाती है। यह आपका एसजे एंकर्स का कथन था कि सूची जो पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका है उन्हें हम सूची कहेंगे, और डॉक्टर रंगनाथन महोदय कहते हैं कि किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों की सूची पुस्तकालय सूची कहलाती है। अगला ऑप्शन है हमारा सीए कटर, सीआर कटर। इन्होंने भी सूचीकरण में एक कथन दिया है, क्या कहा है, सूची का व्यवस्थित समूह, सूची व्यवस्थित ग्रंथों की तालिका है, व्यवस्थित ग्रंथों की तालिका। तो हमारे यहाँ पे पहला एसजे एंकर्स का कि पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका की संज्ञा सूची को दी है, दूसरा रंगनाथन महोदय किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों की सूची पुस्तकालय सूची, तथा तीसरा आ गया हमारा सीआर कटर महोदय का सूची व्यवस्थित ग्रंथों की तालिका है। तो चौथा ऑप्शन है हमारा जेडी ब्राउन, तो इनका भी हम कथन देख लेते हैं सूचीकरण में कि सूची व्याख्यात्मक, सूची एक व्याख्यात्मक तर्कसंगत सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित तथा कुंजी है। पहला एसजे एंकर्स महोदय ने इन चारों कथन को नोट कर लीजिए कि एसजी एंकर्स ने सूची को पाठ्य सामग्री की अनुक्रमणिका की संज्ञा दी है, रंगनाथन महोदय ने किसी भी पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों की सूची पुस्तकालय सूची कहलाती है, सीआर कटर महोदय ने कहा है कि सूची व्यवस्थित ग्रंथों की तालिका है, और जेडी ब्राउन महोदय ने कहा है कि सूची एक व्याख्यात्मक तर्कसंगत सुव्यवस्थित कुंजी है। अर्थात यहाँ पे हमारा एक ही प्रश्न में पूरी सूचीकरण के जितने भी कथन थे वह सभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और इन चारों में से सूचीकरण से कोई भी कथन आता है तो इन चारों में से एक का पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली का प्रयोग पुस्तकों के परिसंचरण प्रणाली में पुस्तकों की परिसंचरण प्रणाली के रूप में नहीं होता है? पुस्तकालय परिसंचरण अर्थात आदान प्रदान की प्रणालियों में वैसे किस पद्धति का प्रयोग हमारा परिसंचरण में नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं हमारा ओपेक, दूसरा है कार्ड प्रणाली, तीसरा है आरएफआईडी और चौथा है रजिस्टर प्रणाली। हमारा दे रखा है परिसंचरण प्रणाली। परिसंचरण प्रणाली अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, कार्ड प्रणाली, तो यह प्रणाली विश्व की सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। विश्व की सबसे लोकप्रिय प्रणाली आपकी कार्ड प्रणाली रही है आदान प्रदान में। तथा हम दूसरी बात करें सी ऑप्शन की, आरएफआईडी, तो यह एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफाई डिवाइस है जो इसको हम परिसंचरण प्रणाली तो नहीं कह सकते, लेकिन पुस्तकों के चोरी करने से बचाव में या विदाउट एंट्री पुस्तक के वह इस पुस्तक को नहीं ले जा सकता पाठक, तो यह भी हमें आदान प्रदान में ही हम इसको मानेंगे। और अगला हमारा है रजिस्टर। रजिस्टर प्रणाली जिसमें हम पाठक का कार्ड प्रणाली में हम तीन कार्ड प्रयोग करते हैं, ए कार्ड, नेवार्क, ब्राउने, और यहाँ पे हमारा आरएफआईडी डिवाइस है जो पुस्तक चोरी को रोकने के लिए काम में आती है, और चौथा ऑप्शन हमारे सामने दे रखा है रजिस्टर, तो हम उसे कौन सा पाठक कौन सी पुस्तक ले गया वो रजिस्टर में अंकित कर लेते हैं। हमारे यहाँ रहेगा कि जो ओपेक है, ओपेक ओपेक पाठक को उस पुस्तकालय में कि कौन सी पुस्तक उपलब्ध है या नहीं है उसे हमें पता करने के लिए यह ओपेक सॉफ्टवेयर जो है वह प्रणाली, ओपेक प्रणाली से हम पता कर सकते हैं कि इस पुस्तकालय में कौन सी पुस्तकें हैं या कौन सी नहीं है, यानी कि सूची को प्राप्त करने के लिए हम ओपेक का प्रयोग करते हैं, न कि हम परिसंचरण प्रणाली में। तो हमें परिसंचरण प्रणाली कौन कौन सी है मुख्य रूप से उनके बारे में हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दो तो देखी है, कार्ड और रजिस्टर, तथा इसके अलावा हमारे सामने रजिस्टर पद्धति हमने अभी देखी है, रजिस्टर पद्धति, दूसरी है हमारी अस्थाई परचेस, अस्थाई पर्ची पद्धति या प्रणाली, तीसरी है हमारी टोकन पद्धति, चौथा है डमी प्रणाली और पांचवी है हमारी पत्रक प्रणाली। अभी हमने देखा था कार्ड प्रणाली या कार्ड सिस्टम, और छठी है डेट्राइड स्वनिर्गम प्रणाली। तो ये हमारी परिसंचरण की प्रणालियां या पद्धतियां रहेगी, इनके अलावा कोई भी ऑप्शन हो उन्हें हम नहीं के रूप में मानेंगे। आगे हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है 30 नंबर कि मेलविल डीवी एएलए के अध्यक्ष के रूप में कब रहे? मेलविल डीवी महोदय एएलए के अध्यक्ष के रूप में कब रहे? देखिए ऑप्शन है 1877 से 1890, 1876 से 1891, 1891 से 1893, 1893 से 1895। मेलविल डेवी महोदय का आप सभी को परिचय करवा रखा होगा, उसमें आप चेक करें कि कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सी सही रहेगा, 1891 से 1893 तक।
के आईएलए के अध्यक्ष रहते हैं अध्यक्ष पद पर। अगला प्रश्न आता है कि सॉफ्टवेयर ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है, एक एप्लीकेशन सूट है माइक्रो, यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है एक एप्लीकेशन सूट है, दूसरा शेयरवेयर है, तीसरा दे रखा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या डी ऑप्शन दे रखा है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो हमें यहाँ पे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं? जो हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने पर, माउस से क्लिक करने पर प्रतीक होने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्सर। तो यह हमें सभी को पता है, ऑप्शन में भी दे रखा है हैंड, लोगो, कर्सर या पाम। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? कर्सर। अगला है 33 नंबर कि मदरबोर्ड पर चिप के लिए कनेक्शन बिंदुओं के रूप में संदर्भित होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं स्लॉट, पोर्ट, लाइंस या सॉकेट। मदरबोर्ड में जो चिप है, चिप के कनेक्शन के बिंदुओं के रूप में हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा सॉकेट। अगला 34 प्रश्न है हमारा, फाइल एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फाइल का नाम, सुनिश्चित करना कि फाइल का नाम नहीं खोया है, सी ऑप्शन है फाइल प्रकार की पहचान, या इनमें से कोई नहीं। फाइल एक्सटेंशन एक फाइल का नाम है, जैसे एक्सेल फाइल है तो उसे हम .exe लगा करके फाइल का एक्सटेंशन नाम दे देते हैं। इसी तरह इसका सही आंसर क्या रहेगा? फाइल प्रकार की पहचान, यह किस प्रकार की फाइल है, DOC डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आगे हमारा आता है EGA क्या है, इसकी हमारे सामने फुल फॉर्म पूछी गई है, हिंदी में दे रखा है संवर्धित ग्राफिकल फाइल, सर्वाधिक ग्राफिक ऑपरेटर, विस्तारण, विस्तारित ग्राफिक सारणी या मोनोक्रोम ग्राफिक एडॉप्टर। तो आपकी यहाँ पे इसकी होगी हिंदी संवर्धित ग्राफिक प्रणाली, एनहेंस्ड ग्राफिक्स, ग्राफिक्स एडॉप्टर। अर्थात संवर्धित ग्राफिक प्रणाली। EGA का क्या अर्थ होगा? संवर्धित ग्राफिक प्रणाली, एनहेंस्ड ग्राफिक्स एडॉप्टर। अर्थात आगे हमारा प्रश्न है अगला 36 नंबर, निम्न में से कौन सा डोस में एक सामान्य फाइल एक्सटेंशन नहीं है? 36 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डोस में एक सामान्य फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो फाइल एक्सटेंशन अभी हमारा आया था कि फाइल प्रकार की पहचान है, तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है exe, दूसरा bat, तीसरा दे रखा है क्लास और चौथा dat। तो हमारा यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन के रूप में तीन है, exe, bat और dat। तो हमारा कौन सा नहीं है इसमें? क्लास, जो कि पूरा नाम दे रखा है, तो यह फाइल का प्रकार नहीं है। अगला दे रखा है 37 कि बूटिंग शब्द का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में बूटिंग दो प्रकार की होती है, आपको पता है कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, कोल्ड तथा वार्म, कोल्ड बूटिंग तथा वार्म बूटिंग। तो हमारे यहाँ बूटिंग से तात्पर्य क्या है कि ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाना, पावर मोड ऑफ को कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, या कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक स्विच से जोड़ना, या कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया। तो हमारा बूटिंग से तात्पर्य कंप्यूटर ऑफ मोड पर है, ऑफ मोड को कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया हमारा बूटिंग कहलाता है।
जिसकी दो है, कोल्ड वोटिंग और वार्म वोटिंग प्रकार की होती है वोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईबीएम, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, आप में से किसी को पता हो तो वेरी गुड, ये आंसर रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूरा नाम क्या रहेगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन का क्या होता है? सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो यहाँ पे दे रखा है ए ऑप्शन WRD वर्ड, दूसरा ऑप्शन दे रखा है DOC, तीसरा है TXT और चौथा ऑप्शन है FIL। तो हमारा क्या रहेगा? वर्ड का डॉक्यूमेंट, वर्ड का डॉक्यूमेंट अर्थात डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट एक्सटेंशन हम यहाँ पे देखें तो DOC, इसका मतलब कि पूरा नाम हो जाता है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पुस्तकालय अधिनियम किस प्रकार के पुस्तकालय के विकास पर बात करता है? पहला है ऑप्शन स्पेशल लाइब्रेरीज, दूसरा है पब्लिक लाइब्रेरीज, तीसरा है एकेडमिक लाइब्रेरीज, या इनमें से सभी। तो हमारी यहाँ पे बात हो रही है पुस्तकालय अधिनियम किसके विकास पर बात कर रहा है। पुस्तकालय अधिनियम हमेशा सार्वजनिक पुस्तकालय अर्थात पब्लिक लाइब्रेरी के विकास की बात करता है, तथा सरकार द्वारा निर्धारित अधिनियम तय किए जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही रहेगा आंसर पब्लिक लाइब्रेरी। तो हम बता सकते हैं यहाँ स्पेशल लाइब्रेरीज को क्यों नहीं माना, अधिनियम में विकास में स्पेशल लाइब्रेरी, क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरीज किसी निजी व्यक्ति की भी हो सकती है, जिसमें डॉक्टर्स है, इंजीनियर है या रोगी है, उन सभी की लाइब्रेरी विशिष्ट लाइब्रेरी है, तो उनके लिए वो स्वयं व्यवस्था कर सकते हैं, या निजी जो फर्म है वह अपनी उसकी विकास पर स्वयं बात करता है। तो यहाँ पे सरकार पुस्तकालय अधिनियम में किसकी बात करेगा, या फिर आपका ऑप्शन आएगा सार्वजनिक पुस्तकालय, या आप यहाँ पे कह सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका प्रश्न दे रखा है L45 कॉलन 4 कॉलन 6 में 6 क्या प्रदर्शित करता है, किसके लिए प्रयोग किया गया, किसके लिए प्रयोग किया गया। यह आपका फैसेट यहां पे दे रखा है फॉर्मूला कि L45 4 कॉलन 4 कॉलन 6 किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 6 किसके लिए प्रयोग किया गया, तो हमें बता सकते हैं कि यह कौन सी पद्धति में है, वर्गीकरण पद्धति की CC में है, CC का यह फैसेट दे रखा है आपको। तो हमें बताओ कि मैन क्लास देखो CC की कि L क्या है, वहां पे L क्या है, मेडिकल के लिए L दे रखा है वहां पे मेडिकल साइंस, लाइब्रेरी के प्रकार में L आपका मेडिसिन हो गया। तो यहाँ पे हम PMEST से देखें तो यहाँ पे कॉलन हमारा PMEST, पर्सनैलिटी का देखें तो हमारा कॉमा, मैटर का देखें तो आपका सेमी कॉलन, एनर्जी का देखें तो कॉलन, स्पेस का देखें तो डॉट, और यहाँ पे आप टाइम का देखें तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अर्थात हम यहाँ पे दोनों की बात करें तो सीधा सा यहीं से हमें पता चल जाता है कि यह एनर्जी है। तो अगर हम बात करें कि इसमें 45 हमें पता है कि मैन क्लास के साथ में पर्सनैलिटी ऐड होता है, तो यहाँ पे हमारा 45 पर्सनैलिटी हो गया, और 45 किसके लिए है, लंग के लिए। लंग फेफड़े
मेडिकल साइंस में यहाँ पे 45 आपके लंग को दिए हैं तथा चार जो अंक है वह डिजीज को आए हैं। यहाँ पे आपका चार डिजीज है। तो हमारा एल मेडिकल 45, लंग को 4 दिया है आपका डिजीज को और 6 दिया है आपका ट्रीटमेंट को उपचार। यहाँ पे आपका 6 नंबर जो दिया है वह ट्रीटमेंट को दिया है। तो हम देखें कि सीसी की मेन क्लास में यहाँ पे एल आपका मेडिसिन को दे दिया। 45 सीसी कॉलन हमारे पास में होनी चाहिए जब भी हमें यह समझ में आएगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं। यहाँ पर्सनलिटी आपका फेफड़े लंग को दिया है। एनर्जी में हमने देखा डिजीज और यहाँ पे ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे E1 ये हो गया और यह E2 हो गया। तो यह आया कैसे, आपके सभी के मन में है कि सर आपने यह कैसे पता कर लिया कि यह 1E है और यह 2E है। तो इसके लिए डॉक्टर रंगानाथन महोदय ने प्रत्येक वर्ग के लिए आपको फैसेट दे रखे हैं। तो आप कॉलन खोलिए और उनमें देखिए कि यहाँ पे आपका बनता है फैसेट फॉर्मूला E2P कम 2P कॉलन 2E कम 3P। अर्थात मेन क्लास के बाद में पर्सनैलिटी ऐड होगी तथा कॉलन, कॉलन के बाद में आपकी एनर्जी, एनर्जी के जस्ट बाद में 2P, यानी कि E कम 2P कॉलन 2E कम 3P। इस तरह से यह हमारा फॉर्मूला चलता है कि P1 P2 P3 और P4 वो किसके बाद में क्या आएगा। तो इन सभी का हमें पता होगा, होना चाहिए। कभी हम सीसी की क्लास लेंगे, आपको करवा दी गई है क्लास में, YouTube वाले सभी साथियों के लिए, कभी हम क्लास लेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से किसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो उसके लिए आप सभी के पास में कॉलन होना जरूरी है। तो कॉलन को सभी के पास में होना अनिवार्य रूप से। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 6 किसके लिए है, 2E एनर्जी की दूसरा पार्ट। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, फैसेट फॉर्मूला रंगनाथन महोदय ने दिया था कि मेन क्लास के बाद में आपका पर्सनैलिटी, एनर्जी के बाद में 2P, दूसरा पर्सनैलिटी का राउंड और 2E के बाद में तीसरा पर्सनैलिटी का राउंड, एनर्जी के राउंड के बाद में पर्सनैलिटी का तीसरा राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 6 जो ट्रीटमेंट के लिए आया है तो वह क्या हो गया, एनर्जी का दूसरा राउंड। नेक्स्ट हम देखें 43 क्वेश्चन कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन है। यह आपको समझ में आ गया होगा, जिनके पास में कॉलन है उन्हें तो अच्छी तरह से यह समझ में आ गया, और जिनके पास में कॉलन नहीं है या उन्होंने सीसी को कभी अच्छे से रीडिंग नहीं की है तो उन्हें कम समझ में आया गया। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, यह पूरी कॉलन बहुत ही इजी है और आसानी से यह, बस यह फैसेट फॉर्मूला ही हमें, जो इसके ये चिन्ह है PMEST, इसी से ही हमें पता चल जाता है अधिकांशतः। लेकिन फिर भी हमें कि मेन 2-3 टेबल्स होती है जिन्हें हमें याद करना अनिवार्य रहता है, तो उन्हें हम बताएंगे कि कौन कौन सी आगे टेबल याद हमें करनी है। तो यहाँ पे हमें पूछा था 6 किसके लिए है, तो हमें यह भी आ सकते थे ऑप्शन में कि लंग क्या है, डिजीज का है या ट्रीटमेंट का है, तो हमें इनका भी पता होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एनर्जी का दूसरा राउंड 2E। आगे हमारा प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। B.S. केशवन, जॉन मैकफरलेन, रंगानाथन महोदय या S. असदुल्ला। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा
जॉन मैकफरलेन जो 1901 से 1906 तक हमारे रहते हैं, जॉन मैकफरलेन। जॉन मैकफरलेन पहला ऑप्शन है बी एस केशवन, बी एस केशवन। तो बी एस केशवन महोदय थे 1947 से 1963, और के एम असदुल्ला आपके रहे 1930 से 1947। के एम असदुल्ला। तो इन तीनों का हमें पता चलता है कि 1901 से 1906 तक जॉन मैकफरलेन, 1947 से 1963 बी एस केशवन महोदय, और 1930 से 1947 के एम असदुल्ला। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा बी। आगे है हमारा कि वर्गीकरण पद्धति की संरचना के लिए कौन सा स्तर का प्रयोग किया जाता है। वर्गीकरण सीसी की पद्धति में हमारा कौन सा स्तर प्रयोग में किया जाता है। तो रंगनाथन महोदय ने कितने स्तर बताए हैं। ऑप्शन है आपका शाब्दिक स्तर, अंकन स्तर, वैचारिक स्तर या उपरोक्त सभी। स्तर किसने दिए हैं, डॉक्टर रंगनाथन महोदय कितने स्तर बताए हैं। तीन स्तर बताए हैं आपका, पहला वैचारिक स्तर कि हम विचार करेंगे कि हमें क्या क्या करना है, दूसरा हम उनको शब्दों में अंकित करेंगे कि हमें जो हमने विचार किया है वह हमारा वास्तविक रूप से शब्दों में अंकित, उसके बाद में हम उन शब्दों पर कितना खर्च या किस तरह से हम अंकन करेंगे अंकन के रूप में। अर्थात हमारे सामने रंगनाथन महोदय ने किसी भी वर्गीकरण को करने के लिए हमें तीन स्तर दिए हैं कि पहले तो हमें जिस कार्य को करना है या जिस पुस्तक को नंबर देने हैं या उसका वर्गीकरण करना है तो उस पर हम विचार करेंगे कि वह कृति किसकी है, इसके लेखक कौन है या किस पर आधारित है, यह कब प्रकाशित हुई या लेखक का जन्म वर्ष क्या है, तो उसकी जानकारी के बारे में हम विस्तार करेंगे। विस्तार करने के बाद में हम उनको शब्दों में अंकित करेंगे कि इनको हम किस तरह से व्यवस्थित करें, और उसके बाद में हम उनको नंबर देंगे। तो इस तरह से हमारे डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने तीन स्तर दिए हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अगला आपका प्रश्न आता है कि लाल समिति की स्थापना मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए की गई है। यह हमारे सामने प्रश्न कई बार आ चुका है, कमेटी से एक प्रश्न एग्जाम में अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितनी भी कमेटियां हैं आपके, डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी होगी, रंगनाथन कमेटी होगी, लाल कमेटी है, सैडलर आयोग है, जितने भी हमारे सामने 18, 20, 22 ये जो कमेटियां हैं इनको हम याद कर लें तो हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हमेशा एग्जाम में सही हो जाएगा। तो हमें ऐसे जो जहां से फिक्स प्रश्न है, जैसे आपके पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र थे, तो यहां से हमें पता है कि 1 या 2 प्रश्न आने हैं तो हमें याद कर लेना चाहिए। हमें पता है कि समितियों से 1 या 2 प्रश्न हमारे यहाँ पे से पूछे जाते हैं तो उन समितियों को एक पेज में हमें नोट कर लेना चाहिए। अगर आगे हम देखें कि हमारी जो टेबल्स है, मेन क्लास है, उसमें से पूछा जाता है, कॉमन या आइसोलेट है, उनमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पीरियोडिकल का कौन सा चिन्ह को प्रदर्शित, किस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे इस तरह से। और एक आपका जो पुस्तकालय अधिनियम है, लेगलाइजेशन, वहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो फिक्स प्रश्न है उन्हें तो हम कम से कम तैयार करें, पूरा पाठ्यक्रम में हमें टाइम लगेगा और याद करने। जो कॉमन चीजें हैं वो तो हमें खुद को ही क्रोनोलॉजिकल है, बैकग्राउंड जैसे इतिहास है, तो वहां से 1 या 2 प्रश्न रहते हैं तो उन्हें, जैसे फ्रिक्वेंसी आपको बताइए कि एक फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है या यह पूछा जाता है कि किसका पब्लिकेशन है, इस तरह से जो हमारे कॉमन प्रश्न है 15 से 20 प्रश्न उन्हें हम अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो यह प्रश्न हमें औरों से
मेरिट में कई ऊपर हमें अंग मदद करेंगे। तो आगे हम प्रश्न में पढ़ें कि लाल समिति की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हमें पता है कि लाल जो समिति थी वह हमें मास्टर लाइब्रेरियन के लिए यानी कि मास्टर एमलीब के लिए मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए यह लाल समिति थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि मास्टर ऑफ लाइब्रेरी जो भी प्रशिक्षणधारी है मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन की डिग्री के लिए उनके प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान हो या मुख्य रूप से उनका उद्देश्य एमलीब के छात्रों को प्रोत्साहन या उसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि स्क्रीन बैकग्राउंड को भी कहा जाता है। जो हमारा कंप्यूटर का या मोबाइल का जो मेन स्क्रीन है उसके अंदर जो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड है उसको हम क्या कहेंगे। तो हमें पता है जो हमारे सामने है यह इसे हम डेस्कटॉप कहेंगे और इसी के ऊपर हमारे आइकन्स बने होते हैं जिससे हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, डेस्कटॉप, डी आंसर, कि स्क्रीन बैकग्राउंड को हम क्या कहेंगे, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 हमारा कि एक्सटेंशन वाली फाइल प्रस्तुत करती है। ऑप्शन है डिवाइस ड्राइव, एग्जीक्यूटेबल फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल और चौथा है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल फाइल फाइल के नाम को कहते हैं नॉर्मल टेक्स्ट फाइल या एप्लीकेशन प्रो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा डिवाइस ड्राइव। डिवाइस ड्राइव को हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन वाली फाइल्स डिवाइस ड्राइव में प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन देखें कि पहला है फाइल, दूसरा है फोल्डर, तीसरा है सब फोल्डर और चौथा है ब्लॉक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा फाइल, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम फाइल का प्रयोग करते हैं। फाइलों के समूह को फोल्डर और फोल्डर सब फोल्डर किसमें प्रयोग करते हैं, हम फोल्डर में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा फाइल। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजर, दूसरा है पैराडॉक्स, तीसरा है क्वेट्रो और चौथा है कॉरलड्रो। डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण यहाँ पे सीधा सा हमें नजर आ रहा है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स डाटा मैनेजर है जो कि डेटा को यानी कि एडिटेड डेटा को डेटाबेस में देखने या संपादित करने का सबसे आसान उपकरण है। आगे है हमारा लास्ट प्रश्न आज के पेपर का 11 नंबर का 50 कि विंडो क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं डेस्कटॉप, मेटाफर, डायलॉग बॉक्स, आइकन या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमें यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा कि विंडो क्या है, आइकन है। तो साथियों आज का हमारा ये था अस्तित्व ऐप पर चलने वाली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पेपर का 11 नंबर पेपर। तो आपको यह सॉल्यूशन कैसा लगा वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आगे हमारा आएगा पेपर नंबर 12 हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।